हरिद्वार के बिल्केश्वर मंदिर जाने वाली बाईपास रोड पर जंगली हाथी आने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग और राजाजी पार्क प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। काफी देर से ये हाथी जंगल में खड़ा है। बताया जा रहा है कि दो हाथियों की लड़ाई में ये घायल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक घायल हाथी को ट्रैंक्विलाइजर कर इलाज करने में वन महकमा अभी तक सफल नहीं हो पाया है। पाक महकमा आज इसे ट्रैंक्विलाइज कर इलाज करने की कोशिश करेगा और डॉक्टर और वन कर्मियों की टीम इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जंगली गजराजों के आपस में भिड़ंत हो गई और यूँ तो यूँ मामला सामान्य सा है। अक्सर जंगलों में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, मगर जब भी आबादी के निकट इस तरह की घटना होती तो एक बड़ा संकट बन के आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो जंगली गजराज जो है इस वक्त हरिद्वार टिबड़ी बाईपास मार्ग पर है और आप देख सकते हैं कि ये घायल अवस्था में है। इसके यहाँ पर घायल होने की सूचना मिलने के बाद ही वन महकमे में हड़कंप मच गया और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की बात करें या फिर हरिद्वार वन विभाग की बात करें तो सभी अधिकारी जो है मौके पर पहुँच गए और फौरी तौर पर इसका मुआयना किया गया। ये घायल है और इसको लेकर जो है जब वन महकमे को सूचना दी गई तो वहाँ से जो है डॉक्टर की टीम और उच्च अधिकारियों की टीम जो है मौके पर आ रही है और जल्दी जो है इसको ट्रैंक्विलाइज कर इसका इलाज करने का प्रयास किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र में पहले भी एक बार घायल हाथी पाया गया था, उसको ट्रैंक्विलाइज कर राजा जी के मीठावली में छोड़ा गया था। अब बड़ा सवाल है कि ये घायल अवस्था में हाथी को डॉक्टर किस तरह टैकल करते हैं और इसको जो है कहाँ छोड़ा जाता है। सारा समय के लिए इस समय हरिद्वार से स्वरूप पुरी। और स्वरूप पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। स्वरूप, क्या जानकारी मिल पा रही है पूरी खबर पर? स्वरूप, क्या जानकारी मिल पा रही है? और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समय लाइव.com पर। सहारा अपना